अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़? उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा है, रोज़ों का इस तरह बिल्कुल फील नहीं हो रहा। तो हमारे रोज़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मज़े के जा रहे हैं। आप बताएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी तो व्यूअर्स, आप भी सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 8 बजे का, और मैं जाने लगी हूँ भला कहाँ। मैं आज जाने लगी हूँ नागा दफ्तर, क्योंकि आपकी ये बाजी ने, आपकी स्पेशल बाजी ने अपना बनवाना है आईडी कार्ड, ठीक है? क्योंकि जैसा कि अभी मेरी 18 प्लस हो चुकी हूँ, तो मुझे अभी बनाना है अपना आईडी कार्ड। तो मेरी बेबे कहते पुत्र नो मोर एक्सक्यूज़, तो इस करके उठो, तैयार हो वो अपना गुड़का शुका पाओ, तो मेरे लगो अगे लागे। तो हूँ फिर मेरी बेचारी सुबह सुबह उठना पे आई, उठ के हूँ मैंने जाना पैना नाल। सच उस जो वेट करने का काम ना मैंने बहुत औखा लगता, तो लेकिन शायद है थोड़े बहुत चांस के वेटिंग ना करनी पवे, और इसलिए क्योंकि रमजान है तो लोग रोज रखे ना। तो अभी मैंने अपना हिजाब वजूब कस लिया है और साथ में पकड़ लिया जो डेटा वेटा भी रखना सीगा, कि मेरी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ कोई मेरिया, सॉरी मेरी बेफॉर्म और रख लिया। बेबे मेरे पीछे खड़ी है, तो आड़ा ये जूझ मजूझ जहाँ मैं सुते पेन उठाया, तो अखर मैं चिड़ियाँ तो मैंने बोल रहा जल्दी कर, मैं छड़ के आ जाना। जी तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ नादा दफ्तर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था और हम लोग रश देख यहाँ पर साइड पर हो गई, और हमने कहा अभी हम लोग जाएंगे वापस घर। व्यूअर्स आप लोग यकीन करें, हम लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े, लेकिन जो यहाँ की सूरत हाल है, मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा हमारे लिए यही बेहतर है कि हम लोग वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो इतने साढ़े उधर रोज़ है, मैं कहा पता थकियाँ ना खड़ियाँ खड़ियाँ ने, तो इसलिए मैं हम साहब ने कॉल की, मैं कहा पता समझा के ले जाते, इस करके हम अस्सी जाने लगे वापस घर, क्योंकि रश मेरे देख रहे बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया हम लोग वहाँ से वापस आ चुके थे, फिर सोचा अभी मैंने सोचा कपड़े धोने, क्योंकि मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, और मेरे तो अलावा किसी को पीक नहीं करनी है किसी कपड़े धोने। माशाल्लाह से ये कपड़ों का ढेगा लगा हुआ है, और ये मैंने कुछ मशीन में डाल दिए, अब इसको चक्कर आ रहा है। अभी आमना दे रही है क्यारियों को पानी, पौधे पानी, हाय बस जाकर याद आ गया पानी ना दे। अब ये दे रही है ना मिट्टी, गिली गिली मिट्टी की खुशबू देना कितनी प्यारी आएगी। सारे फ्रेश हो गए हैं, और दूसरी तरफ ये चटाई है जो इस बीबी ने धोनी है। बीबी ने पर्दा रेंज किया, कौन रेंज कर दिया पता नहीं, जिम्मे कि सारा मसीना। ते अभी मान लगी हुई है ब्रश मारने, दोनों की लड़ाई हो रही है, जब से चटाई धोने शुरू की है लड़ी जा रहे हैं। आज ईमान इतनी मुश्किलों से हाथ आई है। इतना एटीट्यूड है, और मशीन हमारी बंद हो चुकी थी क्योंकि उसमें सरफ खत्म हो गया था। अभी पापा को फोन किया कि सरफ लेके आए, अभी पापा सरफ लेके आए हैं। शुक्रिया 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 पापा। आ वेख लो दोनों काम नहीं करन दे, लड़ी जाती है, हालांकि घंटा हो गया मशीन। पापा पापा वेपर चख लो, आ जड़ी हैगी है ना, ओह एक काम नहीं कर दी। ये पागल हो गई, पागल हो गई है। इसका रोजा भी नहीं है, फिर भी इसका दिमाग जो है ना खराब हो गया। अब देखे इसका हालात, इसके हालात चेक करें बच्ची के। ईमान ने सफाई इन्नी औखी कीती है, जे तुसी इह अंदर काम कीता ना तो देखी जाइए दोनों जनियां। लाइबा ने मांग कर दिया है गीला, ईमान को नीचे से पहुंचे सारे गीले कर दिए पजामे के, और अब लाइबा वो छुप के खड़ गई है, उसको पता है उस भाई नहीं आ सकती। ये दोनों की हो गई है लड़ाई शुरू, और ये देखें इन दोनों के हालात चेक करें। ईमान दी बच्ची ओ तुसी पागल हो, ओह माय गॉड, लाइबा आप सही बच्ची लग रही हो। अल्लाह, ईमान ने बहुत अच्छा काम किया, ईमान ने कहा लाइबा ने वैसे तो खाना नहीं है, चलो मैं इसी को
इसी बहाने गिलास सफेद चादर मिट्टी से भर दिया। ए पीछे कपड़े सारे गीले हो गए। अभी मम्मा को इनके हालात नजर आए तो इनकी ख्याल नहीं होनी। लैबा तेरी मशीन वाला कम ही बेचा। इनकी लड़ाई के दौरान हमारी मशीन बंद हो चुकी थी लेकिन हमें पता नहीं चला, इसलिए मैं इसको चलाने लगी हूँ। इस कुड़ी ने ना साढ़े घर का कोई काम नहीं होने देना, इतना इतना पानी। चटाई वाला काम खत्म कर रही है, मैंने कहा मेरा ये थोड़ा सा काम रह गया मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँ। ये एक दफ़ा लगा रही थी, दूसरी दफ़ा फिर, क्योंकि बदतमीज़ों ने बार बार अपने गंदे पाँव ला कर इधर लगा दिए, सारी मेहनत ज़ाया की है। अभी मैं करने लगी हूँ फ्रिज साफ, इस पर काफ़ी निशान पड़े हुए हैं, मैंने कहा चलो ये साफ़ कर लूँ। तो मैंने कहा अंदर से भी साफ़ कर देते, ये रात की हमारी जो हमने बनाई थी ये थोड़ी सी बच गई थी, ये भी रख दी। ये कल इफ्तारी की चिप्स से रह गई थी वो भी, और फ्रिज में कुछ खास नहीं है, बस हमारा रोज़ा ही है। इसको भी साफ, बाहर से भी मैंने फ्रिज अच्छे से साफ़ कर दिया, इसमें हम किसी का भी फेस देख सकते, इतनी अच्छे से मैंने साफ किया, कोई निशान ही इस पर छोड़ा, सारी साफ़ कर दी। मेरे अलावा कोई भी कसम से नहीं करता ये काम। देखिए अभी इस पर कितनी मिट्टी अभी है, मैं सारी साफ़ करने लगी हूँ। और फिर कहते हैं व्यूअर्स कि आमना सफाई नहीं करती, और जितनी सफाई आमना करती है वो किसी को नज़र ही नहीं आती। व्यूअर्स इनकी इतनी लड़ाई हो खेटे, इतनी बेतहाशा लड़ाई हो खेटी, मम्मा ने कहा जाकर देखो इनको क्या हो गया। सही कह रही है, ये काम भी कर रही है साथ साथ, जुबान भी चला रही है और हाथ भी चला रही है, माशाल्लाह से इसके दोनों चीज़ें चलती है, हाथ भी चलता है जुबान भी बहुत अच्छे से चलती है। और ये गिराज का ये हाल बना के रखो, ये पाइप ऐसे फेंका हुआ जैसे सांप ज़मीन पर लिट रहा है, और एक दो थोड़े से कपड़े रह गए वॉश होने वाले, बाकी तो हो गए। ईमान ये परात भाई फेंक के आओ, ईमान ये मैं लेके आई हूँ बाहर जाके फेंक के आओ। और यहाँ पे हमने फेंक देने हैं क्योंकि ये सामने मुर्गियाँ और बकरियाँ यहाँ पे आती रहती हैं और वो खा लेती। वो आ गई फौज, एक मुर्गियों की भागी आ गई, वो आ गई आ गई। अब वो देखेंगे अपने मतलब की चीज़ इसमें, और फिर मज़े से बैठ के खाएँगे और साथ में स्विमिंग पूल में नहाएंगे। वान तुम भी उनके साथ बैठ के खा लेती। हाँ अभी मैं वॉश करने लगी बर्तन, ये मम्मा ने किचन साफ करना था बट मॉम का रोज़ा था, हमने कहा आपका अभी न्यू रोज़े आपने रखना स्टार्ट किया इसलिए हम आपका भला करते हैं, आप अभी रेस्ट करें हम काम कर लेंगे, हमें आदत है। आपने हम इतना वो करवा दिया ना, उसको क्या कहते हैं ट्रेन इतना कर दिया आपने हमें कि हम काम कर सकते हैं रोज़े रख के भी। प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज साइम का मैथ का पेपर था जो कि इसकी शक्ल बता रही है कि बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब इसकी जुबान नहीं सुन लेते हैं, बताओ कैसा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, माशाल्लाह। कितने चांस फेल होने के? कोई नहीं, सोच लो, सोच लो। 100 बटा 100 पास होंगे। लग नहीं रहा तुम्हारी शक्ल से। नहीं नहीं, साइम बता दो कैसा है, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें बता दो कैसा पेपर हुआ है। व्यूअर्स आज ही मैंने कपड़े धोए हैं और आज ही बारिश होने लग गई है। एक पहले मैं इतनी मुश्किलों से जाके ऊपर कपड़े फुला कर आई हूँ, ये अभी भी कुछ पड़े हुए हैं, और फिर इतनी मुश्किलों से जाके वैसे मुझे उतार के लेके आने पड़े। मैं यहाँ पे बैठी कर रही हूँ, पालक में छीने लगी, सॉरी काटने लगी हूँ, सारी फ्राई का सामान तैयार कर रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पे बैठ के मौसम भी इंजॉय कर रही हूँ। वीवर्स हम बाहर खड़े हैं, मौसम के नज़ारे ले रहे हैं, और ये है आज के बारिश के प्यारे प्यारे नज़ारे, अच्छे अच्छे नज़ारे। ये सारा पानी, ये छप्पड़, ये सारा बारिश, बारिश के पानी से भरा हुआ है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे नज़ारे। और ये बच्चा इफ्तारी की तैयारी करते हुए ब्रेड लेके जा रहा है, साथ में घी लेके जा रहा है, और पता नहीं क्या लेके जा रहा है। एक बच्चा वो है चुन्ना मुन्ना सा जो पानी में बट्टे मार रहा है।
अलगा मारन हम बाहर मौसम इंजॉय करें, हमारे साथ की सामने वाली हमारी सहेलियाँ भी बाहर है वो भी इंजॉय कर रही हैं, और वो मेरे पीछे एक चुन्ना मुन्ना सा आ गया है। ये बेचारा बच्चे भाई गुजर गया है, बहन रह गई है, वो उसको पता नहीं गाइड करके लेके जाएगा कि आ जाओ आप भी यहाँ पे रास्ता है, ये देखो यहाँ से गुजर जाओ। हाँ ध्यान नाल फिसलन हुई है, ये गए चुन्ने मुन्ने भाग गए।